वेलकम बैक टू द चैनल। तो सुबह का बज रहा है 10 और अभी तक मेरा हाउसमेट जो है आई नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ अभी इस टाइम, क्योंकि आदि आज थोड़ा लेट उठी है तो अभी सोने का कोई चांस भी नहीं है। और मैं घर का थोड़ा सा डीप क्लीनिंग भी कर रही थी, मुझे लग रहा था कि वो आ जाएगी। और कल रक्षाबंधन था जिस वजह से वो कपड़ा वगैरह नहीं की, मैं भी छोड़ दी, चलो भाई रक्षाबंधन है मत करो जाने दो, क्योंकि सबका त्यौहार है, यही सोचकर मैंने उसको जाने दिया। तो आज वो कहीं गई थी कल, तो रुक गई है और अभी फ़ोन करके बता रही है कि मैं नहीं आ पाऊँगी। तो देखिए मैं अभी यहाँ पर काम करूँ या आद्या को संभालूँ या फिर खाना बनाऊँ, क्या करूँ, जो भी है मुझे करना पड़ेगा। अभी आद्या को लेकर साथ में बने रहे, देखिए कैसे मैनेज करती हूँ सब कुछ। अभी दिमाग तो खराब हो ही रहा है और आद्या अभी से मेरा हालत खराब कर रही है कि ड्रेसिंग टेबल का यहाँ से ना सब कुछ निकाल रही है, एक एक करके यहाँ पर खड़ी होके देखिए एक एक चीज यहाँ पर सब कुछ फेंक रही है। और इसको लॉक भी नहीं कर पा रही हूँ कि नीचे इतना सामान गिरा है ना, पूरा अच्छे से लॉक भी नहीं हो रहा है। तो चलिए काम शुरू करते हैं, क्योंकि 10 बज गया है। अभी मुझे ये लोग आने से पहले सब कुछ काम खत्म करना है, इसको संभालना है। आज ये सोएगी नहीं, सबसे बड़ी टेंशन ये है। एक डेढ़ घंटा का जब नींद ले लेती है तो मेरा काम भी बन जाता है। तो आज तो आद्या को गोदी में लेते हुए मेरा काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो घर झाड़ू करूंगी, क्योंकि डीप क्लीनिंग की वजह से ज्यादा थोड़ा गंदा हो गया है। और घर गंदा रहता है ना, काम करने में मजा नहीं आता है। फिर भी ना रोज दिन मेरा यही हालत हो गया है कि गंदा घर में ही मुझे नाश्ता बनाना पड़ता है, क्योंकि इतना लेट कर रही है ना। पहले जब दिन ऐसा था कि मेरा 7:30 बजे तक घर का काम खत्म हो गया, मेरा नहाना खत्म हो जाता था, आजकल वो 10:30-11 बज जाता है। तो अभी मैं खुद कर रही हूँ तो घर पूरा साफ सुथरा लगेगा, मुझे पता है। क्योंकि ये भी जिस दिन 2-4 दिन मैं गायब थी ना, तो ये बोल रहे थे घर पहले जैसा साफ सुथरा लग रहा है। अब मैं थोड़ा बर्तन धोते धोते ना दाल भी चढ़ा रख रही हूँ, और अब आद्या मेरे पास आ गए। सोचोगे उस टाइम कहाँ दी थी, हम लोग जिनके घर में रेंट में रहते ना उनका लड़का हॉस्टल से आया हुआ था, तो उसको मैं बोली थोड़ा सा इसको रखो, मैं बर्तन धो के आती हूँ, वरना वो गोदी में ही रहना चाहती है, आप लोगों को तो पहले से ही पता है। तो अब गोदी में लेते लेते मैं थोड़ा सा इधर का काम भी कर रही हूँ, उसका नाश्ता भी तैयार कर रही हूँ, वरना उसको खिलाना तो मेरे लिए बहुत ही मुसीबत का काम है। अब मैं नाइटी को अपना लूंगी जैसा बांध चुकी हूँ और अपना काम में लग गई हूँ। परवल आलू का सब्जी बन गया, दाल बन गया है, और दाल में ना मीठा करेला जो होता है उसको मैंने दे दिया। फिर आ गई हूँ घर को पोछा लगाने। इस टाइम में जो है आद्या को जबरदस्ती सुला के आई हूँ। 12 बजने जा रहा था तो मुझे भी भूख लग रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा था। एक्चुअली मैं सुबह से नाश्ता नहीं की थी। तो यहाँ पर देखिए सब्जी भी तैयार है, दाल भी तैयार हो गया है, और मीठा करेला जो बॉयल कर चुकी हूँ बताइए आप लोग को, तो ये है रेडी। तो बस चावल चढ़ा के मैं जा रही हूँ नहाने, नहाने के आऊंगी फिर मिलूंगी। और कपड़ा भी कुछ धो के रख रही हूँ, क्योंकि कल भी जैसे बताया आप लोग को कपड़ा भी कल का पड़ा हुआ है, आज का बहुत ज्यादा बाथरूम में भर गया है कपड़ा। तो यहाँ पर देखिए, और मशीन है ना मैं घर भेज चुकी हूँ, आप लोग को बताई नहीं थी, मैं अपने ससुराल भेज दी हूँ। और यहाँ पर मैं आद्या को उठा रही हूँ, आधा घंटा जैसे वो सो गई उस बीच मेरा बहुत काम हो गया, और एक रोटी बस अभी खा रही हूँ, क्योंकि जब ज्यादा भूख लगता है ना तब खाने का भी मन नहीं करता है। और सबसे पहले मैं एक लड्डू खा रही हूँ, क्योंकि एनर्जी मुझे चाहिए था, मैं अभी खुद को टायर्ड फील कर रही थी। तो चलो भाई पहले लड्डू से शुरू किए थे, कल का लड्डू रखा हुआ था, तो मैं सब्जी और रोटी खा ली। यहाँ पर आ चुकी हूँ, देख रही हूँ कि अंडा तो खत्म है, क्योंकि मुझे मन कर रहा था कि अंडा फ्राई कर दूँ, मतलब भुर्जी ऑमलेट कुछ भी बना दूँ, तो नहीं था। तो इनको आते साथ ही बोली अंडा लेके आइए तो फ्राई कर देते हैं, तो हो गया। ये चल गए दुकान अंडा लाने, और माँ बेटी हम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तो आज का लंच कुछ ख़राब नहीं हुआ, बहुत अच्छे से खाए वो लोग, क्योंकि गर्मा गर्म सब कुछ था ना, तो मज़ा आया। और घर का काम करते करते मेरा हालत भले ही पंक्चर हो गया है, तो यहाँ पर कुछ अंडा को फ्राई करूँगी, कुछ को फ्रिज में अभी रख दूँगी, क्योंकि ये ले आए हैं कितना पता नहीं, मैं गिनी नहीं थी। और यहाँ पर ऑमलेट बना रही हूँ जो कि हम सब खाएंगे। सावन तो ख़त्म हो चुका है, आप लोग सावन का शुरुआत किस नॉनवेज से किए बताइएगा, हम लोग तो पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग का संक्रांति में जो ख़त्म हुआ था। तो यहाँ पर देखिए मेरा ऑमलेट बनते बनते मैं दूसरा का मतलब दूसरा सब तैयार कर लेती हूँ, लंच की प्लेट लगा लेती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आज के लिए टेक केयर, बाय बाय।